राजस्थान चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन राज्य में ये पहली बार दिख रहा है कि अभी से ही राज्य की मुख्य सियासी पार्टियों ने चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले 10 दिन में ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों के चिंतन शिविर राज्य में हो चुके हैं। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस में अशोक गहलोत का कद बढ़ा है और वो दावा कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान नया इतिहास लिखेगा और कांग्रेस एक बार फिर राज्य में सरकार बनाएगी। राजस्थान में कांग्रेस ने सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही 2023 के विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। इसके बाद से ही अशोक गहलोत पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। गहलोत पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आज गहलोत ने जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगाया। उन्होंने प्रदेश के सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि सप्ताह में 3 दिन वो आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी साथ रहेंगे। राज्यसभा में गहलोत सरकार बनने के बाद 2019 में जनता दरबार का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था, लेकिन अगले ही साल देश में कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब कोरोना पर ब्रेक लगने के बाद फिर एक बार जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। जन समस्याओं की सुनवाई के साथ ही अशोक गहलोत राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं। बीते दिनों राजस्थान में तनाव के माहौल को लेकर अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि अलग अलग राज्यों में हुई हिंसा की घटनाओं के पीछे जो आरोपी हैं और जो पकड़े जा रहे हैं वे आरएसएस और बीजेपी बैकग्राउंड से हैं। साथ ही कहा कि उन्होंने प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग करने की योजनाएं खूब बनाई, लेकिन हमने विफल किया है। साथ ही बीजेपी को चुनौती देते हुए और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग राज्यों में हुए दंगों पर जांच का आदेश देने का साहस क्यों नहीं दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत बीजेपी को घेरने के साथ ही चिंतन शिविर के बाद से ही जनता के बीच सक्रिय हो गए हैं, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल सके। डीबी लाइव की रिपोर्ट।